आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडर 19 इंडिया के स्टार फास्ट बॉलर राजवर्धन हांगरेकर की। 2022 के इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में हांगरेकर ने अपनी बॉलिंग और बैटिंग से सबको इम्प्रेस किया है और हर किसी को उनमें एक बड़ा प्लेयर बनने की पोटेंशियल दिखाई दे रही है। हांगरेकर डोमेस्टिक क्रिकेट में महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं उनकी बॉलिंग के बारे में। हांगरेकर एक वेल बिल्ट फास्ट बॉलर है और उन्होंने अपनी बॉडी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग और फिट बना रखा है। उनका फिजिक और उनकी हाइट उन्हें अपनी बॉलिंग में पेस जनरेट करने में हेल्प करती है। अगर हम उनके रनअप को देखें तो ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी थोड़ी सी स्टिफ रहती है और उनके हाथ थोड़े नीचे ही रहते हैं और पूरा चेस्ट तक नहीं आते। इसके बाद अगर हम इनकी लोडिंग को देखें तो इनकी लोडिंग काफ़ी दमदार है। वो बॉल को अपने चेस्ट के सामने लोड करते हैं और अपनी बॉडी को जंप करते हुए आगे की तरफ लेकर जाते हैं। वो एक फ्रंट ऑन बॉलर है और लोडिंग के टाइम पे उनका बैक फुट क्रीज के सामने रहता है। लोडिंग के टाइम पर काफ़ी फोर्स लगाने के बाद भी उनकी बॉडी कहीं भी नहीं बिखरती और काफ़ी असेंबल्ड रहती है, जिसकी वजह से वो सारा फोर्स एक सही डायरेक्शन में लगा पाते हैं। उनकी एक्स्ट्रा पेस की तीन और रीजंस है। सबसे पहला कि लैंडिंग के टाइम पर उनका फ्रंट फुट एक ब्रेस्ड पोजीशन में रहता है। दूसरा, उनकी आर्म स्पीड काफ़ी क्विक है। और लास्टली, उनका फॉलो थ्रू जो कि बिल्कुल ही नेचुरल है। राजवर्धन ने इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में 141 किलोमीटर पर आर की स्पीड से एक बॉल डाली थी। उनकी बॉलिंग के साथ साथ उनकी पावर हिटिंग भी काफ़ी बढ़िया है। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी और अच्छे लेवल्स पर इंडिया को रिप्रेजेंट करें। थैंक यू गाइस, आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल के रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।